people, welcome back to your channel, our channel, the Bong Beauty channel. I hope you all people are doing very great and welcome back to our channel. तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये मेकअप लुक. ये है एक वेडिंग गेस्ट और पार्टी मेकअप लुक. आप इसको थोड़ा फुल्ली एक्सेसराइज कर लेंगे तो फिर इसे आप ब्राइडल लुक पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो. सो सबसे पहले मेकअप से पहले मैं यहाँ पे करने जा रही हूँ अपने स्किन को प्रेप. उसके लिए मैं सबसे पहले जो लगाऊंगी वो लगाऊंगी हाइलुरोनिक एसिड. मैंने अपने मुंह को बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है और अब जो है मैं 1 to 2 ड्रॉप ऑफ हाइलुरोनिक एसिड को अपने मुंह पे अप्लाई करूँगी. और जो हाइलुरोनिक एसिड मैं यूज़ कर रही हूँ वो है दी इंकलिस से. सो इस तरीके से अच्छे से इसे मुझे पूरे फेस में इवनली पहले डिस्ट्रीब्यूट करना है, लाइक फैला देना है अच्छे से. देन उसके बाद मैं इसे डैप करके सारे स्किन में अच्छे से जाके मतलब ताकि अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके तो मैं इसे अच्छे से डैप डैप करके स्किन में एब्जॉर्ब करवा मतलब करने के लिए छोड़ दूँगी. सो नेक्स्ट जो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी वो करूँगी टोनर. और ये भी 1 to 2 ड्रॉप्स टोनर ले लिया है मैंने. एंड अब अगेन उसको मैं पहले इवनली सारे स्किन पे लगा लूँगी. देन जितना बचेगा उसे मैं अच्छे से डैप करके सारे स्किन पे अपने अप्लाई करूँगी. वो एब्जॉर्ब हो चुका है स्किन पे और जितना एक्स्ट्रा था वो फिर इवोपरेट हो चुका है. तो स्किन अब ठीक है, एक्सेस वाटर ही नहीं है. अब यहाँ पे मैं मॉइस्चराइज़र ले रही हूँ और ये है आपका अगेन द इंकलिस्ट का विटामिन BCE मॉइस्चराइज़र. जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया है कि मेकअप से पहले स्किन को प्रेप करना बहुत ज़रूरी है. जितना अच्छा आपका कैनवास होगा उतना अच्छा आपका मेकअप निकल के आएगा. एंड प्लस ये कि बैरियर बना देता है आपके स्किन और न्यूयॉर्क का फाउंडेशन इन शेड 220 नेचुरल बेज. अच्छे से इसे शेक करना है. मेरे लिए 2 पम्प सफिशियंट है तो पहले मैं वो लगा लूँगी. पहले मैंने अपने आईब्रोज को कॉम कर लिया है. देन मैं अपने आईब्रोज को ड्रॉ करने के लिए यूज़ करने वाली हूँ ये स्विस ब्यूटी 3 ब्राउज पाउडर प्लस 1 वैक्स क्रीम का पैलेट नंबर है 01. ये है पैलेट, ब्राउन कलर है. मैं इसे लगाऊंगी और आई थिंक थोड़ा सा ब्लैक, इन दोनों को मिक्स करके लगाऊंगी. सो आई एम डन विथ माई आईब्रोज. जो भी एक्स्ट्रा इधर उधर फैला हुआ है डोंट वरी, उसे कंसीलर से हम सेट कर लेंगे फटाफट. यहाँ वेट इन वाइल्ड इन शेड फोटो फोकस कंसीलर इन शेड नंबर लाइट पेज. आई शैडो के लिए सबसे पहले हमें लगाना है
जब आप आई पे कंसीलर लगा रहे हैं तो फिर छोटे साइज के ब्यूटी ब्लेंडर कंसीलर जो है वो लग चुका है। नेक्स्ट इसे अब सेट करना है, तो सेट करने के लिए मैं यहाँ पे लैक्मे का रोज पाउडर यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी सेटिंग पाउडर यूज़ कर सकते। जो दूसरा मैं यूज़ करने वाली हूँ वो है कलर बोर्ड फ्रॉम ब्यूटी क्लेस। बैटरी डेड हो गया था DSLR का, तो फिर मुझे आगे का जो वीडियो शूट करना पड़ रहा है वो अपने फ़ोन से ही करना पड़ रहा है। तो मैंने ऑफ कैमरा ही जो है वो आईलाइनर एंड आईलैशेज अप्लाई कर लिया है। लगा रही हूँ वो मस्कारा लगा रही हूँ, और मस्कारा भी मैं यहाँ पे मेबेलिन का यूज़ कर रही हूँ। ये वाटरप्रूफ मस्कारा नहीं है, बट आपके पास अगर वाटरप्रूफ मस्कारा है तो आप वही लगाएं, क्योंकि ये वो फिर काफ़ी देर तक ना होल्ड देता है। मैंने आईलाइनर पहले ही लगा लिया था, और जो ये फॉल्सीज है ना उसके बेस का जो भी है वो विजिबल हो रहा था, तो मैंने क्या किया कि मैंने मस्कारा को ही उसके बेस पे अच्छे से अप्लाई कर दिया है, ताकि जो है ना उसका आर्टिफिशियल सा बेस ना लगे और मेरा आईलैश जो है वो रेडी हो चुका है। सबसे पहले जो करना है वो करना है कॉन्टोर,
और कॉन्टूर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ मैक का स्टूडियो फिक्स इन शेड NC43। करते हैं नोज कॉन्टूर। जो भी कंसीलर इस स्पंज पे एक्स्ट्रा लगा हुआ है उसे मैं इसे जो कॉन्टूर किया है उसे बस उसके ऊपर हल्का हल्का टैप कर लूँगी ताकि वो लाइक एक इवन सा टोन दे, कुछ एक्स्ट्रा ना लगे। बस ये मेबेलिन का एक लिपस्टिक है जो कि है इन शेड सनी कोरल और मैं इसे अपने इसे एज अ ब्लश यूज़ करूँगी। इसे मैंने अपने फिंगर पे ले लिया है और थोड़ा सा एक्सेस जो है वो मैंने रिमूव कर लिया है ताकि बहुत ओवर ना लगे। देन अगेन उसी ब्यूटी ब्लेंडर से मैं जो है इसे ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंड कर लिया देन अब जो है अब हम लगाते हैं हाइलाइटर। और हाइलाइटर के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर इन शेड आई डोंट नो लाइक ये शायद पिंक सा शेड है, इसमें E800 लिखा हुआ है बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस शेड, बट ये कुछ रोज गोल्ड सा रोज गोल्ड पिंक सा कलर है। अब जो है वो लिप्स एंड लिप्स के लिए सबसे पहले मैं लगाऊंगी अगेन वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर ताकि जो कलर्स हैं वो काफ़ी अच्छे से निकल जाए। ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूँगी। लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ NYBA के दो लिपस्टिक, वन जो है वो डार्क मरून सा शेड है एंड दूसरा जो है वो साड़ी के कलर से मैचिंग है मजेंटा सा शेड है। तो जो मजेंटा शेड है वो मैं लगाऊंगी इनर साइड पे एंड जो मरून शेड है वो मैं लगाऊंगी आउटर साइड पे। फेस पाउडर टू सेट माई फेस, मैं का रोज पाउडर यूज करने वाली हूँ। जो एक्सेस है उसे रिमूव कर देते हैं एंड एक पाउडर ब्रश की हेल्प से सो माई फेस इज डन एंड अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए मैं लगा लेती हूँ बिंदी एंड बिंदी के लिए यस
है. दिस इज़ द फाइनल लुक. आई होप आप लोगों को ये लुक अच्छा लगा है. एंड अगर आप लोगों को ये लुक अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड मुझे सपोर्ट करें पड़े. सो थैंक्स फॉर बी विथ मी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन.